स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड जेएनएम 2023 के बारे में। उत्तराखंड जेएनएम का फुल फॉर्म है जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी कोर्सेस। यहां पे एग्जाम जो स्टेट लेवल का एग्जाम है नर्सिंग लेवल का, इस एग्जाम के थ्रू आपको डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। ये एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाता है हिमवती नंदन बहुगुना यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड के थ्रू। अब आइए गाइस इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर डेट्स की बात करें तो अभी तक यहाँ पे ऑफिशियल ऑथर ने आप लोगों की डेट्स अनाउंस नहीं की है। जैसे डेट्स अनाउंस होगी हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे और उस वीडियो में आपको हर एक इवेंट की डेट्स जो एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की। तो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, तो गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। मे बी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट ना हो, क्या करना होगा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो वो भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले गाइस आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उन्हें कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट किस तरह से स्कैन करके प्रिस्क्राइब साइज फॉर्मेट में अपलोड करना है, जिस किसी भी तरह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं उन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन उनका जो है एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा करना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में गाइस आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को जो है पे करके बताई जाएगी। तो मेक श्योर कर लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। बात कीजिए एप्लीकेशन फी की, तो गाइस यहाँ पे 800 रुपीज एप्लीकेशन फी है जनरल कास्ट के लिए, रिजर्व कास्ट के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी आपकी रहेगी। अब बात करते हैं गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एज लिमिट की पहले सबसे पहले बात करें तो 17 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट है, 35 ईयर्स मैक्सिमम अपर हायर एज लिमिट है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोग का उम्र जो है 17 से कम नहीं रहना चाहिए, ना ही 35 से ज्यादा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात, आप 12 पास आउट रहने चाहिए यहाँ पे विथ मिनिमम 40% फॉर रिजर्व कास्ट फॉर जनरल कास्ट एंड फॉर रिजर्व कास्ट इट्स 35%। फिर उसके बाद बात की जाएगा पेपर बैठेंगे, तो गाइस आप लोग का जो एग्जाम है यहाँ पे वो एग्जाम आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे सारे के सारे एमसीक्यू टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सही लगेगा वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, ऑफलाइन एग्जाम होगा, आप लोगों का पेन पेपर बेस्ड टेस्ट एग्जाम लिया जाएगा। इंग्लिश एंड हिंदी दो लैंग्वेजेस में आपके जो है क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, पेपर का लैंग्वेज दो लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा पेपर कंप्लीट करने के लिए, हर एक से आंसर देने पे 1 मार्क्स दिया जाएगा एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। इसके बाद गाइस बात की जाए तो आप लोग का फिर एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अगेन हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा, सेम प्रोसेस फॉलो करने आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। बट इसके लिए मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। फिर उसके बाद गाइस मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी, उसमें नाम होगा, देन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग के बाद आपका गाइस यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा एंड दैट्स इट प्रोसेस एंड सियर। सो गाइस नाउ आई होप कि आप लोगों को उत्तराखंड जेएनएम 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी इश्यू है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।